औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। व्यूवर्स, आज मैं रिव्यू करूँगी स्पार्सलर पी सिरप के बारे में कि स्पार्सलर पी सिरप क्या है, इसके यूज़ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको हम किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो स्पार्सलर पी सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। व्यूवर्स, स्पार्सलर पी सिरप एजीपी फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है। ये 60 ml के पैकिंग में अवेलेबल होती हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें व्यूवर्स, इसमें जो है ना हाइसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पाया जाता है जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, मतलब कि पेन को रिलीव करने में यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों में जो है ना इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसको एडल्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो व्यूवर्स, छोटे बच्चों में बहुत से किस्म के दर्द हो सकते हैं, उसके पेट में दर्द हो सकता है या मैदे में दर्द हो सकता है या मसाने में दर्द हो सकता है या उसके पेट में मरोड़ भी हो सकती हैं। तो व्यूवर्स, इन सब कंडीशन में जो है ना आप लोग स्पार्सलर पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके पेट में दर्द हो, मसाने में दर्द हो या पेट में मरोड़ हो या मैदे में दर्द हो तो आप लोग जो है ना स्पार्सलर पी सिरप को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, अगर हम इसके डोजेज फॉर्म के बारे में बात करें तो व्यूवर्स, इन्फेंट में मतलब जो कि शेरखवार बच्चे होते हैं उसमें आप लोग जो है ना इसका एक टीस्पून दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 1 से 6 साल के बच्चों में जो है ना 1 से 2 टीस्पून दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर एडल्ट में इस्तेमाल करना हो तो 2 टीस्पून जो है ना आपने दिन में 3 से 5 मरतबा इस्तेमाल करनी है। इससे जो है ना आपका हर तरह का पेन जो है ना रिलीफ हो जाएगा। अब आते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो व्यूवर्स, इसके ओवरडोज लेने से जो है ना आप लोगों को नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है और परसिस्टेंट डायरिया भी हो सकती है। तो व्यूवर्स, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना आप लोगों को हो सकते हैं। व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन स्पार्सलर पी सिरप के बारे में। व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप लोग तक पहुँचती रहें। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।